हेलो शन, वेलकम इन आर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है 8th स्टैंडर्ड लेशन नंबर 2, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इन सबके पहले मैं आपको बताऊँ कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका नाम क्या है, पैरेलल लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या होते हैं वो समझिए कि अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे, कोई भी दो या दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे, तो उनको बोला जाता है पैरेलल लाइन। मतलब टू और मोर देन टू लाइंस विच कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। फिर से सुनिए, टू और मोर देन टू लाइंस विच कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट is called as parallel lines। मतलब कोई भी दो लाइन किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर पाए। तो जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए, सपोज लाइन L है और ये लाइन M, ये एक दूसरे को कभी भी अगर इंटरसेक्ट ना करे, इसका मतलब क्या हुआ पता है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है हर एक पॉइंट पर सेम होगी। डिस्टेंस सेम होगी तो ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाए, तो इनको क्या बोला जाएगा, पैरेलल लाइन। अब आगे देखिए, अगली चीज हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि कोई भी पैरेलल लाइन हो या फिर कोई भी लाइन हो, जरूरी नहीं कि पैरेलल लाइंस, कोई भी दो या दो से ज्यादा लाइन अगर हो, उसको कोई एक लाइन अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। सपोज ये देखिए आपका ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको सपोज कर लीजिए कि ये आपका आर है, ये आपका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन। क्यों? चूंकि ये एल को देखिए यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एम को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको आर को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब आगे देखिए, अगली चीज होती है करस्पॉन्डिंग इंटीरियर और अल्टरनेट एंगल। दो पैरेलल लाइन अगर उनको कोई आपका ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर दे, उस कंडीशन में कुछ एंगल बनते हैं। वो एंगल कौन कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी टॉपिक है। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिए, पैरेलल लाइंस के ऊपर या एक ही साइड में, पैरेलल लाइंस के ऊपर जो एक ही साइड में एंगल बनते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और इसको क्या बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सपोज नंबरिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज ये वन है, ये टू है, ये एंगल थ्री और ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल की बात होगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने क्या बोला कि ये वन जो है ये फाइव के इक्वल होगा, एंगल वन किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव के। एंगल फोर इक्वल हो जाएगा सिक्स के, एंगल फोर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सिक्स के। ठीक है, तो ये होते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट वन आपका क्या है, देखिए इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब समझिएगा, पैरेलल लाइन के बीच में ये एंगल बनते हैं और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये देखिए, ये पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। दोनों एंगल के बीच में एंगल बन रहे, दोनों लाइन के बीच में एंगल बन रहा है, इनका सम कितना होगा, 180, और इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। तो देखिए लिख देंगे क्या, 2+5, एंगल 2+5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और क्या बोल सकते हैं, 3+6, एंगल 3+6 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इस तरीके से होता है आपका इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट वन है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल की आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जहां भी जेट बन रहा हो वहां पर समझ लीजिए कि अल्टरनेट एंगल बनेंगे। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, और इनको बोला जाता है अल्टरनेट एंगल। अब देखिए थोड़ा सा अगर इस लाइन को मैं बढ़ा दूं, इस लाइन को बढ़ा दूं, तो देखिए कुछ इस तरीके से नहीं हो गया, तो यहां पर जेट कहां कहां बन रहा है अगर आप ध्यान से देखें, तो ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो रहा है। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल 3 is equal to angle 5। देखिए इस तरीके से आपका है लाइन, मैं अलग से बना देता हूँ, ये आपका L है, ये आपका M है, ये आपका R है। देखिए यहाँ पर एंगल 1, 2, 3, 4 है, ये 5, 7, 8, 6, ये इस तरीके से अल्टरनेट एंगल। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, इस एंगल का नाम क्या, 3 और ये 5। उसी तरीके से ये जो एंगल 2 है ये इस साइड के इक्वल होगा, मतलब 2 and 6 इक्वल होंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी था, इसलिए हमने बताया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आपके प्रैक्टिस सेट 2.1 पर।
चलिए स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। मतलब फिगर की हेल्प से आपको बॉक्सेस को फिल करना है। देखिए फर्स्ट वन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको पता होंगे, एक ही साइड में या तो लाइंस के ऊपर बनने वाले एंगल या तो नीचे वाले बनने एंगल, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। देखिए फर्स्ट वन क्या है, एंगल पी। एंगल पी देखिए लाइन के इस साइड में ऊपर है, तो इस साइड में ही आएंगे ऊपर, तो कौन है, डब्ल्यू। इसका पेयर कौन हो गया, एंगल डब्ल्यू। समझ में आया। अगला क्या देखिए, एंगल क्यू। एंगल क्यू के लिए देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो इसका नाम क्या है, एंगल एक्स। एंगल में क्या, एक्स। सिमिलरली एंगल आर के लिए देखिए, ये देखिए नीचे है, तो ये वाई के इक्वल होगा, एंगल वाई। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है, एंगल एस। देखिए बहुत ईजी है, एंगल एस किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल, एंगल जेड। इस तरीके से हो गया आपका कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल किसके इक्वल होंगे, देखिए ये एस जो है वो मैंने बताया था जेड फॉर्म में, तो ये एंगल एक्स के इक्वल होगा। देख लीजिए कुछ इस तरीके से है, तो ये जो एंगल होगा एस है, ये एक्स है, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इस साइड वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो यहां पर कौन है, आर और जेड, सॉरी आर और डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू यहां पर था, तो यहां पर कितना लिख देंगे, आर। तो इस तरीके से हो गया आपका फर्स्ट वन फिनिश। आई होप कि आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है, ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब इसको ऑब्जर्व करके आपको आंसर देना है। फर्स्ट वन क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल आपको पता है कौन से होते हैं, ये बी एच के इक्वल होगा, सी ई के इक्वल होगा, तो क्या लिख देंगे, एंगल बी एंड पेयर पूछ रहा है, तो बी का पेयर कौन है, एंगल एच। ठीक है, ये फर्स्ट पेयर आपका हो गया। सेकेंड वन पेयर कौन सा है वो देख लीजिए, एंगल सी और ई, यही तो होता है अल्टरनेट एंगल जेड फॉर्म में, एंगल क्या होता है, जेड फॉर्म में, तो इसका क्या होगा, सी एंड एंड एंगल ई। समझ में आया, ये सी ई के इक्वल, बी एच के इक्वल, ये तो आपका हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए आपका क्या पूछा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपको पता होगा, देखिए क्या होगा, ये जो बी होगा, सॉरी ए होगा, ए ई के इक्वल, बी एफ के इक्वल, बी एच के इक्वल, सी जी के इक्वल। तो चलिए सबका पेयर लिखते हैं, ए का पेयर कौन है, ई, तो क्या लिख देंगे, ए एंड ई, एंगल ए एंड एंगल ई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वन हो गया। देखिए सेकेंड वन कौन सा है, समझिए एंगल ए ऊपर था, यहां भी ई ऊपर था, इसलिए एक दूसरे के इक्वल पेयर हो गए। बी का पेयर एफ है, तो एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ, ये पेयर हो गया। थर्ड वन पेयर देखिए कौन सा रहेगा, एंगल डी एच के, मतलब क्या, एंगल डी एंड एंगल एच। ठीक है, फोर्थ वन कौन सा पेयर रहेगा, सी जी के इक्वल, यानी कि एंगल सी एंड एंगल जी। इस तरीके से ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर। लास्ट वन क्या देखिए, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होंगे, देखिए बी और ई, सी एंड एच, क्या लिखेंगे, फर्स्ट वन इसमें क्या लिख देंगे, एंगल बी एंड ई, एंगल बी एंड एंगल ई। अब सेकेंड वन क्या लिख देंगे, देख लीजिए सेकेंड वन लिखेंगे हम लोग एंगल सी एंड एंगल एच। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर टू भी फिनिश हुआ, और क्वेश्चन नंबर टू के साथ साथ आपका ये प्रैक्टिस से 2.1 भी फिनिश हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार भी नहीं समझता तो वीडियो को घुमा के देखिए, एक बार दो बार तीन बार देखिए, डेफिनेटली आपको इजिली समझ में आएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।